और चलिए ब्रेक के बाद देखते हैं गांव ढाणी की खबरें। जयपुर के दूदू में हाईवे पर गेठी मोड़ के पास देर रात एक ट्रोले और इंडिगो कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चार घायलों को गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। कार सवार युवक जयपुर के राजा पार्क के रहने वाले हैं, जो शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान गेठी मोड़ के पास ये हादसा हुआ। जयपुर के बसिक क्षेत्र के कानोता कस्बे के मोहन मार्केट में एक दुकान में शटर तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद कानोता पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि यहां से करीब 1 लाख रुपए के कपड़े, एक मोबाइल और 80,000 की नकदी चोरी हो गई है। अजमेर के केकड़ी में कृषि उपज मंडी गेट के बाहर युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। पुलिस पूछताछ में शव की शिनाख्त कनौज गांव निवासी भूरालाल गुर्जर के रूप में हुई। मौत का कारण ज्यादा शराब का सेवन करना बताया जा रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में अधर झूल में लटक रहे ट्रांसफार्मर से कभी बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रांसफार्मर के पास लगे विद्युत पोल को रस्सी के सहारे बांध रखा है, जो हादसों को न्यौता देता नजर आ रहा। शॉर्ट सर्किट के चलते कई बार इस ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग और अस्पताल प्रशासन अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। अजमेर के सरवाड़ में पुलिस ने 122 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही एक टवेरा गाड़ी भी जब्त कर ली है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के पिसांगन में प्रधान के रिक्त पद पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंह रावत ने 39 में से 23 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के द्वारा भाजपा का सिंबल जारी करने पर कांग्रेसियों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम सुमन चौधरी ने कांग्रेस की शिकायत को दरकिनार करते हुए चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाया। भाजपा से प्रधान पद पर विजय उम्मीदवार अशोक सिंह रावत ने कांग्रेस के आरोप को निराधार बताते हुए नए प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनने तक पुराने अध्यक्ष के कार्य को सही बताया। अरवल के बांसुर में पेयजल किल्लत को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाकर खाली मटके फोड़कर विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं कर रहे। महिलाओं ने पेयजल किल्लत दूर नहीं करने पर सड़क पर जाम लगाने की चेतावनी। अलवर के बांसुर थाने में एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया। हथियारबंद बदमाशों के हमले में युवक की मां भी घायल हो गई। पीड़ित युवक ने मामला दर्ज कराया कि गांव बुराला में बाइक सवार कुछ हथियारबंद बदमाशों ने जमीन हथियाने की मंशा से लाठियों और फरसियों से हमला बोल दिया। हमले में युवक और उसकी मां घायल हो गए। इसके बाद बदमाश महिला के गले से सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड के रेवाड़ा गांव में ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक महिला ने अपने नवजात को सड़क किनारे फेंक दिया। जब राहगीरों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया और फिलहाल पुलिस बच्चे की मां की तलाश में जुटी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में रायला क्षेत्र में कंटेनर और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में कंटेनर चालक की मौत हो गई। वहीं अजमेर मार्ग पर संगम चौराहे के पास जाम लग गया। इसे सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया। भीलवाड़ा के रायला में पानी की कमी से गर्मी तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई। वहीं मछलियों के मरने से आसपास बदबू फैल गई। धौलपुर के सैपव क्षेत्र का कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने दौरा किया और इस मौके पर कलेक्टर ने तूफान और आगजनी में 3 लोगों की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी से भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई, साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की।